सो गाइस मैंने आपको कहा था कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओ ये ऋषभ ने आके हमें सरप्राइज दिया है, और ये देखो गाइस को आई बोल दे कैसे हो, राम राम है। हेलो भाई, हेलो बिजी हूं बात हो सकता है। अच्छा बिजी है, ये देखो गाइस क्या चल रहा है। अरे 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 अभी हम जा रहे हैं सब, इसको यहां वॉकिंग करने दे, पता है जंप करो। 1 2 जंप, वेरी गुड साध्या। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लंच करने के लिए, सुबह से सब भूखे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबने खाया है। चलो चलो बट अब हम जा, ओए हाँ चलो अब कार में आ जाओ, जल्दी जल्दी खुश हो गई। जंप 1 2 3 जंप, चले अब, चलो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। अब तो आप लोग मिस नहीं कर रहे ना कि कार किसे चलानी पड़ेगी। मेरा बेटा जियो, बेटा जियो। अरे तो सोया नहीं, हां सोया नहीं, जेट लैग हो जाएगा ऋषभ। अभी सो जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। ये रखो बैग, छोड़ दे। 3 BHK कितना सुंदर। अरे मम्मी लेके बात कर, क्या? अरे मम्मी कागज कलम तो खा लेना, वैसे तो डरती है सबसे। भाई मेरे गोदी में भी आ गई, आएगी वो तो। बाय बाय, आ जा अभी उस तू भी मामा के साथ। बाय परी। हां हां दीदी को मैंने बोला है, मास्क पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आ जा अभी पकड़ो। आ जा फूल पकड़ो 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 पकड़ो। आराम आराम से मिलनी, मैं तो आराम से ही हूं। कौन है ये? तेरा फोन बज रहा है शायद। मिली ने अपना फोन लाइन। हाँ चलो, आर यू रेडी टू ईट फर्स्ट एंड देन प्ले? यस, टू ईट फर्स्ट एंड देन प्ले। यस, अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया, सबको बहुत भूख लग रही है। पहले खाएंगे, यहीं चलते हैं। चलो चलो गाइस यहीं चलते हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब एक एक बंदों के साथ। और भाई कैसा लग रहा है तुझे? इंडिया आके अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, अभी मैं शाय हो रहा हूं। अभी तो सब खत्म कर दिया तूने खा खा के। अभी मैं शाय हो रहा हूं। शाय हो रहा है? तेरे को कैसा लगा चेतू खाना? एक चेन्नई से, एक नॉटिंघम से, चटूरे खा के छोले भटूरे बोले चटूरे बोले चटूरे खा के गाइस दोनों हो चुके हैं एकदम नशे में। ये इंडियन खाना किसी कोई मतलब साउथ इंडियन भी तो कितना खा लेगी बता, कितने दिन खा लेगी साउथ इंडियन खाना? परी ने खाए ना इडली, लास्ट में आती तो याद उसी की है ना। मम्मी अभी उसको मैनेज कर रही है, उसको सारे वो करवा दो क्या बाउंस? हाँ सब करवा, सारे 500 के, अरे सिंगल डे सब 500 का करा लो। खाने पे कॉन्सेंट्रेशन तक। और यहाँ भी मम्मी 5 pounds का ही तो है, करवा दो ना। तो यहाँ पाउंड में बातें नहीं होंगी भाई, 800 रुपीज में नहीं गिना जा रहा, पाउंड में ही हो रही है मेरे सब। मम्मी ने बोला इसको करा दो पाउंड से, जाओ जाओ इसका भी करा दो बाउंस। ट्राई कर दे। गाइस ये मिन्नी ने मेरे ऊपर ये फैन चल रहा है इस वजह से इसके ऊपर। कल फैन से कैसे आएगा इसके ऊपर, ये झूठ जाम लगा रही है, इसमें चम्मच यूं करके मार रहा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था तो इसका ये गंदा हो गया। अभी देखो इसको कवर कर रहा है। हाँ तू अभी ले ले, अभी ले ले, पानी भी तुझे अभी लेना है ना, इसको प्यास लगा लगा, इम्पोर्टेंस आ रही है वो। हाँ चल तू भी आ जा, तू भी ले ले फुटेज, तू आ जा। पूरी आ गई, आप बोल क्लमजी, हु इज क्लमजी, लगाना ये कवर कर रहा है। पुकी बॉय इतनी देर से पता है क्या कर रही है, इशारा कर रही, देख तो यहाँ दिखा, ऐसे ऐसे इशारा कर रही थी मैं। का तोड़ना इसको, बोलती हूँ यार मेरा पर्स उठाओ, पर्स उठाओ, मेरे से झुका नहीं जा रहा, पेट अड़ रहा है। ये तो शर्मनाक बात है, इसमें
कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो खाना खा के उठेंगे। तू ये लगा ना पुकी बॉय, ये लगा लगा के चलियो। अब मेरी बेटी का है, नाइस, बॉल लाइट है, बॉल इंडियन स्किन पे डार्क। खत्म करवा दे, वो अभी बोल रही थी पेट पर, पेट अड़ रहा है। फिर ये पानी भी नहीं उठा पाएगी, तो खिला, मैं खिला दूं, खिला तो सही, फिर ये KFC के चेतु यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। कहाँ खिला रही है, कैमरा बंद कर, नहीं छोटी बाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट चम्मच रख लो नीचे, उल्टी तो इसमें क्या सीधी क्या उल्टी देगी, करियो कहाँ है, क्या है इसमें सीधी कौन सी बताई, ये सीधी बताई, हाँ हाँ थोड़ा है, कर कहानी है ना वो। कितने की है, दे दे अभी ठीक करके दे रहा हूँ, फर्क लगा है, देना ठीक करके देता हूँ, फर्क लगा है तभी तो बोला है, फर्क है, फर्क है, फर्क मैंने है। खाया, मैंने एक भी चावल का दाना बाहर लटका। मैं ही निकाल रही थी मुंह से, हाय हाय हाय, घर ले जाएगी क्या तो मम्मी, मेरा तेरा माउथ क्या दे रही, संपत्ति लिया तू, कुर्ती इग्नोर करके भी नहीं हुआ मेरे से, चेतु का जोक बढ़िया था, ऐसे गाना चाहिए, ऐसे क्यों देख रहे हो, पप्पी करोगे क्या, गाइस हमें तो लगता था कि सिर्फ अव्युक थी इतना चंचल और इतना प्लेफुल है, बट आप इसको देख लो, मैं अभी दिखाती हूँ, इसने तो अलग टाइप का एंजॉयमेंट ढूंढ लिया। परी कम हियर, बोल बोल, भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मस्त एंजॉय करे, देखो भाई शोन परी, बोल जंप 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 जंप, बो मामा मामा मामा। भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इन बच्चों को देखो, मैं अंदर जा नहीं सकती, बट ऐसे ही देख लो, परी कम हियर, परी कम इधर आओ जल्दी कम टू मी, कम इधर आओ, आजा फोटो खींचेगी, कम हुई तो परी किसी को तो चलो बाहर निकलेंगे चलो। भाई ये तो बिल्कुल राजी नहीं है बाहर आके, आ जाओ आना भी नहीं है इसको। 1 hour later बाबा और मामा ओए, जानबूझ के मारा है इसने इस टाइम पे, चुप करा दे मामा को चुप करा दे। यार ये इतनी तेज नहीं लगी, ज्यादा नाटक मत करो। जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही थी वो था साइड में बैठ के कार के और घूमने।
ना। तो अब वो फाइनली हो रहा है और अब हम लोग दिल्ली वाले टोटली दिल्ली वाले प्रॉपरली गेड़ी पे निकल रहे हैं। नाइट टाइम गेड़ी है, डोर खुला है तेरा? नहीं खुला है, नहीं तो नहीं खुला किसी का। हाँ भाई, दिल्ली की गेड़ी है ये। अब दिल्ली की गेड़ी चल रही है भाई फाइनली। फाइनली दिन में हम फैमिली के साथ गए थे गेड़ी पे फैमिली आउटिंग पे, और अब हमें फाइनली टाइम मिला है, मैं किसी के साथ जाके मोमोज खा रही हूँ। गाइस मैं आपको, मैंने शायद व्लॉग में दिखाया नहीं दिखाया, या तो स्टोरीज में पता लग जाओगा तो मैं लग जाता होगा कि मैं अकेले जाके मोमोज खा रही थी। तो अभी कम से कम 4 महीने बाद दिल्ली वापस आए। वैसे ये बिल्कुल सडन प्लान था, कोई प्लान नहीं था इसका, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता था, घर में किसी को भी नहीं पता था, इसने आके एकदम से धप्पा किया है। धप्पा हो गए सच में, मैं तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और ये देखो, ये आराम, अब वो भी देखेंगे। ये गाड़ी तो हमेशा स्लो स्लो सी चल के जाती थी, अभी ये सारी लाइट जल रही है, कभी इसकी बेस ट्यूब दम दम कर रही है, क्या अभी सोसाइटी में थर्ड गियर पे चल रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, जो कि ये शायद बहुत मिस कर रहा होगा। वैसे तो वहाँ पे मोस्टली अच्छा खाना मिलता है, हेल्दी फूड, बट थोड़ा बहुत चटरपटर तो यार खाना ही चाहिए ना अपने घर वापस आके। तो दिन में भी हमने बाहर का ही खाया था और अभी भी, इसलिए अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने। ठीक ना गाइस, हम आ गए हैं मार्केट में मोमोज खाने के लिए। कौन से खाएगा? पनीर तंदूरी। कहाँ गए? पूरी मार्केट यहाँ पे दिल्ली का आना था मेरा सुबह शाम। तो अब मैं आती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट यहीं से होती। मैं सेक्टर 10 वाले जिम में आना प्रेफर नहीं करती। 10 वाले जिम कौन आता? मैं 17 से यहाँ पे आता था। अब हम खाएंगे पनीर तंदूरी मोमोज। बोल दे भैया, एक प्लेट पनीर तंदूरी कर दो। ये देखो गाइस, ये फॉरेन रिटर्न कैसे घूम रहा है, 4 महीने वाला NRI नहीं अभी हुआ नहीं है ना, अभी तो NRI है, अभी NRI हुआ नहीं है। हो तो गए, रिटर्न आ तो गए, जाके भी जाके आ गए, अभी दोबारा 10 दिन में वापस जाएगा। ये उनसे छुट्टी मांग के लाया है कि मुझे जाने दो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। सुना दोगे आपने फर्राटा, समझ आएगी? हाँ समझ, जिसको आती होगी उसे समझ आएगी। चटनी वहाँ से ले ली इसने, क्या मी व्यू ऑफ लो। चलो चटनी हाँ मैं लेती जाऊँ। भैया इसकी चटनी दे दो, भैया इसकी चटनी, मेरी चटनी दे दो, मोमो की चटनी, मेरा मोमो, थैंक यू, और दो टिश्यू भी दे दो। अब इसका खा के हम रिव्यू देंगे आपको। हाँ रिव्यू मिलेगा अब, उसकी पेमेंट हो गया। हाँ हाँ। सो गाइज, ये हर अपडेट दे रहा है अपने फ्रेंड्स को, जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं। वैसे तो आज इसने 2 बार, मतलब सब हम बाहर गए थे तब भी वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंडिया आ गया, किसी को भी बता के नहीं आया। तो अब मरियम का रिएक्शन क्या था? अब हम इसका, वो तो कह रही कि आई डिडंट नो, आई वीडियो कॉल थी मैन, ही वाज इन इंडिया। ओ माय गॉड, मेरे से बोल रही कि यू आर इन अ प्लेस व्हिच लुक्स लाइक इंडिया, you are in a market, you are in an Indian market, you are lying, you are in UK. मैं करूँ क्या? मैंने मिन्नी से बात करा दी। तो मैंने इसकी फ्रेंड से बात करी और वो बिल्कुल डिसबिलीव में थी, एक्चुअली हम खुद डिसबिलीव में थे। मतलब खा के दिखाओ, ये होता है जब आप 4 महीने बाद कुछ दिमाग नहीं चल रहा अभी, कुछ और दिल्ली चीजें खाते हो, गिरना भाई। ओ हो 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 हो, मोमोज की चटनी, चंटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे टेस्ट करो। वाओ वेरी नाइस, वाह, बैकग्राउंड म्यूजिक, मजा आ गया, मजा। गाइस ये वहां पे, गाइस यूके में बहुत हेल्दी चीज़ें मिलती है, बिकॉज मतलब यूके में भी ये जिस जगह रहता है नॉटिंघम, वो एक थोड़ा सा मतलब हिल टाइप एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्दी खाना इसलिए मिलता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग मिलावट नहीं करते हैं बिल्कुल, और इंडिया इज़ ऑल अबाउट मिलावट। तो इतना हेल्दी खाना खाने के बाद जब ये चटपटा चटरपटर खाना पेट में जाएगा ना, तो इसके पुराने जो इम्यून है ना, उसको मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस पे मैसेज आ रहा है, मतलब तू वापस आ गया, यू हैव गॉन बैक टू इंडिया, वापस आ गया, वेयर आर यू? कोई बात नहीं भाई, मैं नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूं, जो मैं दिसंबर में पूरा करके गया था, जाने से पहले करके गया, जाने से पहले जो मेरी डेढ़ दो साल से लाइफस्टाइल थी, वो मेरे को पूरा टाइम याद आ गया, वो जोन अचानक से कार कैसे पार्क किया करता था। हाँ। मेरा वो रहा वहाँ। और ये गाइस वहाँ पे कार नहीं होती, ऑब्वियसली आपको पैदल चलना पड़ता है, और इसके पास कोई व्हीकल नहीं वहाँ पे, बट कार चलाना भूला नहीं है आज भी। एयरपोर्ट से उतरते ही क्या, जैसे ही मैं बैठा ना, हाँ
अपने आप बॉडी, अरे वो मसल मेमोरी होती है ना, मेरे को लगा ही नहीं मैं कभी गया था वापस। हाँ ये भी होता है क्योंकि अभी तो फिलहाल 12-13 साल से कार चला रहा हूँ। हाँ वो तो है, बट 4 महीने हुए हैं अभी, हमने तो उसका भी मतलब इमेजिन नहीं किया था कि एक साल में ही चार, मतलब एक साल के कोर्स में भी से भी 4 महीने बाद ही मिलने आ जाएगा। बट ठीक है, अच्छी बात है, ये मिलते आते रहना चाहिए ऐसे, है ना। मैं बहुत बावला हूँ, मैं फिर जा जाऊंगा, मैं जीत गया था। हाँ तो यार फैमिली के बिना कुछ है क्या? फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, ये बात तुम मेरे से सुन लो। जो दूर रहते हैं वही बता सकते हैं। दूर रहते हैं, अकेले रहने वाली बात भी नहीं है, अकेले रहने में आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट। मेरे से बढ़िया लाइफ कोई नहीं जी रहा, बट फैमिली आसपास रहती है ना, नजरों के सामने जो फैमिली रहती है, तो वो चाहे कलेश हो रहा हो चाहे कुछ हो रहा हो, वो एक मतलब वो जो एक क्या बोलते हैं एम्प्टीनेस होती है ना, वो नहीं होती। एम्प्टीनेस नहीं, वो कि मेरे सामने मैं सिक्योर कर सकता हूं, बस वही, बस इसीलिए तो फैमिली बनाते हैं। तो इस ये शक्ल बदल जाएगी, ये शक्ल यही रहेगी ना। अच्छे लोग होने चाहिए, ब्लॉग मैं भी डालूंगा, कल आऊंगा ना। अभी तो ये बैकग्राउंड से पूरा सब कुछ ऐसा लग रहा है ये इस घर का मेंबर है, सारे कलर मैचिंग पहन के। तो क्या करने आए यहाँ पे रात के 10 बजे? मिट्टी देने आ रहा, इसके आते आंधी आ गई और ये मिट्टी लेके आ गया। मिट्टी लेके आया मेरे लिए, कैसा लगा? तूफान लाया साथ में, अभी नहीं आता फाइनल आता, उसके बाद क्या कर लेते? थोड़ी खुशी तो होती है, थोड़ी खुशी, अभी तो पड़ गए तेरे, क्या कर रहा है? तो वही तो नहीं आना चाहिए था ना। कोई जल्दी थोड़ी आते हैं, इतनी जल्दी नहीं आते, तो 2 साल लगते फिर या आपका भूल जाते कि कोई ऋषभ भी था है। पैसा फूक रहा है बार बार, चल रहे एक बार भी बाद में आ जाइयो, तू दे रहा है भाई किराया तो घर के, आ जा, किराया तो तू दे रहा है, मैं तो भाई कोच नहीं देंगे क्या? बॉडी बना दो, जिम वाली टी शर्ट पहन रखी है क्या? ये तो कुछ अलग ही दिन बाद आगे खुद मेरे से बोलोगे कि जान आ गई शरीर, बस चने और सत्तू, बस घोड़े बन जाओ। केला किसका? केला लेना है अफ्रीकन का।